सोलन के शुलूनी विश्वविद्यालय में आयोजित मोक स्टेक फेस्ट की प्रथम संध्या दीपक राठौर के नाम रही। साथ ही अन्य कलाकारों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनों की खूब वाहवाही बटोरी। छात्रों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से सुलूनी विश्वविद्यालय सोलन द्वारा 3 दिवसीय मोक्ष टेक फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। भारत रत्न से सम्मानित मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इंजीनियर की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों द्वारा हर वर्ष मोक्ष टेक फेस्ट आयोजित किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस टेक फेस्ट में सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी प्रथम संध्या में DSP सोलन रमेश शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। उन्होंने द्वीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया, जबकि शुलूनी विश्वविद्यालय के निदेशक PK खोसला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आयोजित मोक्सटेक फेस्ट की प्रथम संध्या दीपक राठौर के नाम रही। मीडिया से बातचीत के दौरान दीपक राठौर ने कहा कि हिमाचल की हसीन वादियों में जो भी आया वह इन हरी भरी वादियों का दीवाना हो जाता है। यही कारण रहा कि उन्होंने पहली एल्बम में 4 पहाड़ी संस्कृति पर आधारित गीतों को लिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचली संस्कृति को भविष्य में विश्व स्तर तक पहचान का प्रयास करेंगे। इंस्पिरेशन सारी गाने की शिमला से मिली। मैं यहाँ घूमता था अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, और एक कुछ पहाड़ों से स्पेशल कनेक्शन हर इंसान का होता है, और बहुत ही अच्छा कनेक्शन मेरा बना। और इसी के साथ मैंने एल्बम में अपनी 9 गानों की एल्बम में 4 गाने जो है वो फोक जो हिमाचल से इंस्पायर्ड है वो गाने रखे, और आई एम फीलिंग वेरी मच प्राउड कि आज इतने लोग उसको सुन रहे हैं और मैं उसको कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ हिमाचल के कल्चर को। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा कनेक्शन है यहाँ के लोगों में, कल्चर में, म्यूजिक में, बहुत ज्यादा अपना फील होता है। एंड बहुत ज्यादा सिक्योर फील आता है जब भी कोई हिमाचल में आता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हम किसी और शहर में जाते हैं सिक्योर नहीं होता, बट एक बहुत ज्यादा सिक्योर फील होता है। तो एक म्यूजिशियन को जब भी किसी जगह पर जाकर एक बहुत अच्छा सिक्योर फील होता है, अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, माइंड फ्री रहता है, तो वो अच्छा फोक म्यूजिक बना पाता है। तो मैं तभी यहाँ शिमला में आके ऐसे ऐसे गाने बनाता हूँ। कार्यक्रम के आयोजक पुनीत शर्मा ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से मोक्ष टेक फेस्ट का आयोजन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी 3 दिवसीय कार्यक्रम में मशहूर पंजाबी गायक गैरी संधू, गायक दीपक राठौर, पहाड़ी गायक नरेंद्र रंजन, गोवा के DJ अकाय और शॉन और अन्य कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और ये हमारा फेस्ट इस बार 3 दिन का है, जिसमें बहुत सारे कलाकृतियां आ रही हैं। पंजाबी सिंगर नाइट हो, चाहे पहाड़ी नाइट हो, दीपक राठौर का प्रोजेक्ट हो, या फिर हमारे DJ फ्रॉम गोवा, अलग अलग तरह के विभिन्न हमने कल्चर्स को इस बार एक ही मोक्ष में लेकर आए हैं 3 दिन के अंदर। आपको यहाँ पे अकेला यही चीज नहीं मिलेगी, आपको उसके साथ लिटरेरी इवेंट्स में होंगे, जहाँ पे लोग अपनी कविताएं बोलेंगे, डिक्लेरेशंस होंगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स आएंगे। इसके साथ साथ कलाकृति के बहुत सारे नमूने आपको यहाँ पे मिलेंगे, और आशा करते हैं कि आप सब यहाँ पे हमारे साथ आए, यहाँ पर आए और इन 3 दिनों का मजा लें। दीपक राठौर ने शिमला था घर गीत के साथ जैसे कई नए पुराने गीतों की एक से एक प्रस्तुतियां देकर विद्यार्थियों का खूब मनोरंजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, K चैनल, सोलन।